Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों एक बार फिर से मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान के साथ और आज इसका ये आठवां सत्र है लेक्चर नंबर आठ और इसका टाइटल है साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टीजमेंट और जैसा कि इसके टाइटल से ही विदित होता है कि ये आज का जो हमारा सत्र है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम आज विज्ञापन और विज्ञापन में किस प्रकार से मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसकी कुछ बारीकियों को जानेंगे किस प्रकार से विज्ञापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन चुकी है आजकल के मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपस में कॉम्पीट करते हैं यानी एक दूसरे से वो प्रतिस्पर्धा करते हैं कि किस प्रकार से वो कंज्यूमर्स को लुभा सकें या उनके बीच में एक वो अपनी जगह बना सकें तो इस प्रकार से ये जो प्रोडक्शन का एरा है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर हो रही है ऐसे में जो डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सप्लाई हमेशा आजकल की जो डिमांड है जो लोगों को उस सामान की आवश्यकता है उससे अधिक होती है ये मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन की वजह से जो कि इतने लार्ज स्केल पर हो रहा है ऐसे में ये चीज़ जो डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है वो कही न कहीं ना कहीं डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जा रही है तो ऐसे में होता ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन हर संस्था हर फैक्ट्री हर कंपनी सभी ये चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में रहे और ऐसे में उनके पास अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना उसको उनके बीच में स्थापित करना और उसकी एक उनके बीच में जगह बनाना ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की तरह लॉन्च हो सके और भविष्य में भी उसकी डिमांड उतनी ही बनी रहे लोगों के बीच में तो ऐसे में ये पूरा जो मैकेनिज़्म है इसके लिए एडवर्टीज़मेंट का इस्तेमाल होता है और इससे एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड बात है वो ये है कि एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स हैं यानी जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसके माध्यम से अपने कस्टमर बेस तक पहुंचती हैं यानी कि वो इससे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट भी करती हैं उनको आइडेंटिफाई भी करती हैं तो इस प्रकार से ये जो पूरा एडवर्टीजमेंट का यानी विज्ञापन का ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है और इसमें किस प्रकार से मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है और जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और जो थियरीज़ हैं किस तरह से वो एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव बनाने में मदद करती हैं किस तरह से वो इस पूरी जो एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं और ये आपके लिए एक और रोचक तथ्य मैं यहाँ बता दूँ कि जो ओवरऑल एक सर्वे आया था जिसमें ये देखा गया कि जो विश्व की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कि वो क्षेत्र जिसमें हम कह सकते हैं कि ये विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें एडवर्टीजमेंट को पाँचवें स्थान पर रखा गया था तो इस सर्वे के अनुसार हम देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है यानी कि इकोनमी में इसका एक बहुत बड़ा स्थान है और ऐसे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की तरह उभर कर आया है सामने और लगभग लगभग सभी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो सभी कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में एडवर्टीजमेंट का सहारा भी लेती हैं उससे अपने बिजनेस को एनहांस भी करती हैं तो इसी प्रकार से हम आज देखेंगे कि ये जो एडवर्टीजमेंट है यानी जो ये विज्ञापन की पूरी प्रक्रिया है ये कैसी है और इसमें मनोविज्ञान किस प्रकार से इस्तेमाल होता है सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि एडवर्टीजमेंट है क्या तो एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन इज अ पेड फॉर्म ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन that uses mass and interactive media to reach broad audience in order to connect an identified sponsor with buyers, provide information about products, interpret the product features in terms of the customer's needs and wants. a product can be good, a service, an idea, communication. this type of communication इज़ यूज इन एडवर्टाइजिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में जो संचार का इस्तेमाल होता है वो दो तरह का होता है नॉन इंटरेक्टिव या इंटरेक्टिव अब हम इन सभी बिंदुओं को फिर से क्रमशः इनको समझने का प्रयास करेंगे तो जो शुरुआती हमने बात की यानी कि एडवर्टीजमेंट सर्वप्रथम एक पेड फॉर्म है यानी कि एडवर्टीजमेंट जो है उसमें पेमेंट इन्वॉल्व होता है जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है यानी कि जो इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है या अपना प्रोडक्ट या सर्विस या आइडिया वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो उसके लिए वो इस एडवर्टीज़मेंट को देने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कुछ किसी प्रकार का पेमेंट करते हैं यानी कि वो इसके लिए उनको एक हम कह सकते हैं कि उनको खर्च करना पड़ता है एक अमाउंट जो भी वहाँ पर डिसाइड हो उसके बाद ये एक प्रकार का परसुएसिव कम्युनिकेशन है यानी कि यहाँ पर हम संचार तो कर ही रहे हैं यानी कि हम सूचना तो लोगों तक पहुँचा ही रहे हैं साथ ही साथ इसमें परसुएसन की भी बात की जाती है यानी लोगों को किस प्रकार से हम लुभा सकें अपने प्रोडक्ट के प्रति कैसे उनको हम मना सकें कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें तो इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन है वो इसमें यूज़ होती है और साथ ही साथ इसमें मास मीडिया का या इंटरेक्टिव मीडिया का इस्तेमाल होता है जिसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके ये सूचना और इसके बाद ये जो सर्वप्रथम कार्य इसका है एडवर्टीजमेंट का वो है टू आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर एंड कनेक्ट देम विद द बायर्स यानी कि जो स्पॉन्सर है और यहाँ पर स्पॉन्सर वो इंडस्ट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या उसको सेल करना चाहते हैं या वो मार्केट में उसको निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर स्पॉन्सर के तौर पर कार्य करते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को सीधे सीधे बायर्स के पास यानी जो पोटेंशियल कंज्यूमर है वो उनके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं तो ये जो हमारे सामने एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है यानी वो इंडस्ट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी और यहाँ पर हमारे पास कंज्यूमर्स हैं तो इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है एडवर्टीज़मेंट इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण एडवर्टीजमेंट से संबंधित बात है वो है दैट एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स यानी वो कौन सा प्रोडक्ट है जो वो संस्था या वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करना चाहती है या मार्केट में लाई है वो प्रोडक्ट है क्या उसकी सारी डिटेल्स उसकी सारी जानकारी वो किस तरह से इस्तेमाल होगा उसके क्या फ़ायदे होंगे उसको यूज़ करने से लोगों को क्या लाभ मिलेगा इस प्रकार की सभी जो डिटेल्स हैं उसका प्राइस क्या है उसके यूज़ करने के इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस प्रकार की तमाम जो जानकारियाँ हैं ये सभी उस एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से लोगों तक पहुँचती हैं इसके बाद जो प्रोडक्ट की अगली जो महत्वपूर्ण बात जो लोगों तक पहुंचाई जाती है वो ये है कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा और किस प्रकार से ये उनकी इच्छा को पूर्ति करेगा यानी कि कहीं ना कहीं जो एडवर्टीज़मेंट है ये इस प्रकार से बनाया जाता है या इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो इसको देखने के बाद यानी इस एडवर्टीज़मेंट को देखने के बाद उनको ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हमें हमारे लिए ज़रूरी है या हमें इसकी इच्छा थी तो इस प्रकार की जो फीलिंग है या इस प्रकार का जो थॉट है वो जनरेट करना एडवर्टीज़मेंट का एक मुख्य मकसद होता है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट को इस प्रकार से लोगों के बीच में स्थापित करना ताकि उनको ये लगे कि हमें इसकी इच्छा भी है और हमें इसकी ज़रूरत भी है तो इस प्रकार की जो ये पूरी प्रक्रिया है इसके लिए एडवर्टीज़मेंट विजुअल मीडियम से भी दिया जा सकता है ऑडिटरी मीडियम से भी दिया जा सकता है और इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे तो जो अगला जो प्रोडक्ट से संबंधित एक और बात है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो केवल एक वस्तु ना होकर के एक आइडिया भी हो सकता है यानी कि वो कोई एक विचार भी हो सकता है उसके साथ ही साथ वो किसी प्रकार की कोई सर्विस भी हो सकती है जैसे अगर हम देखें तो आजकल के रीसेंट उदाहरण में मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक उदाहरण दूंगा अर्बन कंपनी का यानी कि हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है ये कोई वस्तु यानी कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचती बल्कि ये एक प्रकार का सर्विस देती है यानी कि ये आपके घर पर आएंगे और जो भी आपकी उस समय की रिलेटेड जो भी सर्विसेज़ हैं चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड हों चाहे वो किसी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस से रिलेटेड हों तो इस प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज ये वहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं और ऐसे ही बहुत सारी और भी सर्विसेज होती हैं चाहे वो हम बैंकिंग सर्विसेज की बात करें या फिर हम किसी भी तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो ये बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मार्केट में जो सिर्फ वस्तु के तौर पे यानी एक कॉमोडिटी या गुड के तौर पर नहीं है बल्कि वो एक आइडिया के तौर पे एक विचार के तौर पे या फिर एक सर्विस के तौर पर भी प्रेजेंट हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है एडवर्टीज़मेंट के द्वारा जो दिया जाता है वो जाए जिसका इस्तेमाल होता है वो इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव दोनों ही प्रकार का हो सकता है और नॉन इंटरेक्टिव में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब कोई भी एडवर्टीजमेंट जब लॉन्च होता है तो आ, अगर आप देखेंगे तो टेलीविजन पे या रेडियो पे या अखबारों में यानी प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये मास लेवल पर आजकल हम देखते हैं कि जब एडवर्टीजमेंट होता है तो हम उसे कह सकते हैं नॉन इंटरेक्टिव की श्रेणी में वो क्योंकि वहाँ पर जो संचार हो रहा है वो केवल एक तरफा है यानी कि जो सूचना आ रही है वो केवल एक दिशा से चलकर एक दूसरी दिशा तक जा रही है और यहाँ पर केवल जो स्पॉन्सर है यानी कि जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो सूचना प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी सूचना वो कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहती है केवल वो सूचना एक दिशा में पहुंच रही है यहाँ पर कस्टमर्स जो कहना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से या उस संस्था से या उस स्पॉन्सर से वो बात उन तक नहीं पहुंच रही है लेकिन इसके अलावा जो हम देखते हैं कि एक और दूसरा जो माध्यम है जो कि आजकल काफ़ी प्रचलित है और इससे इस, इस स्ट्रैटेजी का बहुत इस्तेमाल आजकल किया जाता है और वो स्ट्रेटजी है इंटरेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ कम्युनिकेशन और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आ, हम कहते हैं कि जो नॉन इंटरेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं दैट कम्युनिकेशन ज बिटवीन बी एंड सी एंड बी हेयर स्टैंड फॉर बिजनेस एंड सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर और कस्टमर यानी कि जो सूचना का फ्लो यहां पर है वो बी से सी की दिशा में है बिजनेस अपनी जो भी सूचना एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाता है परंतु जब यह इंटरेक्टिव टाइप हो जाता है तो यहां पर एक और श्रेणी बढ़ जाती है और वो है एक और सी की और यहाँ पर भी ये जो सी है इसको हम कह सकते हैं ये भी एक कंज्यूमर है और इसको हम कंज्यूमर वन और इसको कंज्यूमर टू की हम संज्ञा दे सकते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो बिटवीन बी बी टू सी देन सी टू सी यानी कि बिजनेस का जो कम्युनिकेशन था वो एक कस्टमर तक गया और उस कस्टमर ने फ्यूचर में उसको दूसरे कस्टमर से डिस्कस किया या उसको इंटरेक्ट किया या उस तक वो बात पहुंचाई तो इस तरह का जो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है वो भी एडवर्टीजमेंट का आजकल एक बहुत ही सफल हम कह सकते हैं तरीका माना जाता है और एक उदाहरण मैं आपको यदि इसका दूँ तो बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से इस तरह की जो एडवर्टीज़मेंट है यानी जो इंटरेक्टिव एडवर्टीजमेंट है किस तरह से इसका इस्तेमाल आजकल किया जाता है तो एक विज्ञापन एक प्रोडक्ट का किया गया और वो प्रोडक्ट है ओल्ड स्पाइस का यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है और इस कंपनी का नाम है ओल्ड स्पाइस और ये बहुत ही पुरानी पीएनजी की एक कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ये कंपनी है और का ये प्रोडक्ट है और उन्होंने इस प्रोडक्ट को बहुत समय से ये मार्केट में है इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है लेकिन एक ऐसा दौर आया जो कि इस प्रोडक्ट को बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा और एक दूसरी कंपनी है जो आप सभी हो सकता है विद्यार्थीगण इस कंपनी के नाम से भी शायद परिचित हो या इस प्रोडक्ट के नाम से तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड दैट प्रोडक्ट वॉज समथिंग रिलेटेड टू मैन बॉडी वॉश तो इस प्रकार का जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो इस कंपनी ने जब प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग की बहुत ही अग्रेसिव एडवर्टीज़मेंट किया और इन्होंने जो एक बहुत ही मशहूर एक गेम है जिसको सुपर बाउल के नाम से जाना जाता है और अमेरिका का ये एक फुटबॉल इवेंट का एक बहुत ही प्राइम हम कह सकते हैं स्पॉट होता है टेलीविज़न पे तो वहाँ पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और ऐसे में ये प्रोडक्ट जो है इसने सीधी टक्कर दी ओल्ड स्पाइस को उसके जो ऑलरेडी जो मार्केट में प्रोडक्ट्स थे उनको इसने सीधी टक्कर दी ऐसे में ओल्ड स्पाइस कि जो वहाँ के जो मैनेजर्स या लीडर्स थे उन्होंने ये तय किया कि हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से एडवर्टाइज़ करेंगे कि ये जो कंपटीशन हमें अभी फ़ेस करना पड़ रहा है इसकी वजह से जो बिज़नेस लॉस हमें हो रहा है या जिस भी प्रकार के हमें सेटबैक्स मिल रहे हैं हम इसको ओवरकम भी करेंगे और अपने प्रोडक्ट के साथ जो हमारी ऑलरेडी जो उसकी इमेज है हम उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो इस प्रकार से उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने एक बहुत ही मशहूर फुटबॉलर को लिया और एक सिंपल से एडवर्टीजमेंट उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने उस फुटबॉलर को एक घोड़े पे बिठा करके और उसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया कि दैट मैनलीहुड को यानी उन्होंने वहाँ पर दर्शाया कि मैनलीहुड किस तरह से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर उन्होंने एक टैगलाइन दी कि क्या आपके जो ग्रैंड हैं उन्होंने ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा वो क्यों किया होगा इसके बारे में आपके क्या विचार हैं तो चूंकि ये प्रोडक्ट बहुत पुराना था और इस प्रश्न ने जो लोगों के सामने इस कैंपेन के माध्यम से उन्होंने रखा तो ये जो प्रश्न था इसने लोगों के बीच में बहुत सारा कौतूहल पैदा किया और इसके बाद इन्होंने टारगेटेड तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ाया और इसमें यह हुआ कि इसमें लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत सारे लोगों ने इसको तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हों चाहे वो इस कैंपेन को उन्होंने जिस तरीके से मास मीडिया में या और अन्य जगहों पर जो लॉन्च किया उसके माध्यम से बहुत सारे लोग इससे जुड़े उन्होंने आपस में इसके बारे में बहुत बातचीत की और उस दौर में ये देखा गया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई यानी कि लोगों के बीच में इसको लेकर के बहुत आकर्षण था और साथ ही साथ उनके बीच में इसको लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्ट भी था तो ऐसे में इस प्रोडक्ट की ओवरऑल जो सेल्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक इस प्रकार का कैंपेन लॉन्च करने के आ, कारण एक प्रोडक्ट किस प्रकार से रातों रात उसकी रीब्रैंडिंग हो गई और हम कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट फिर से एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की तरह मार्केट में स्टैब्लिश हो गया तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट कितना एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि एडवर्टीजिंग एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन के मूलभूत कार्य क्या हैं और इसके इसके जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का दैट इज आइडेंटिफिकेशन यानी कि प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट की पहचान करना कि किस प्रकार से जो प्रोडक्ट है उसकी रियल पहचान क्या है और अगर हम इसको थोड़ा सा बैक में जाकर के अगर इसको हम आ, समझने का प्रयास करें तो इनिशियल लेवल पर जब एडवर्टाइजिंग जो आज के समय में जैसी है जितनी क्रिएटिव है या जितनी ज़्यादा डेवलप्ड तरीके से और जितने ज़्यादा मास लेवल पर इसको किया जाता है जब इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग नहीं थी और जब लोग इतने साक्षर नहीं थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो उस समय किस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग होती थी उसमें हम आइडेंटिफिकेशन को वहां से हम समझ सकते हैं कि उस समय केवल यही एक फंक्शन एडवर्टाइजिंग का हुआ करता था और वो ये इस प्रकार होता था कि वहां पर केवल एक पर्टिकुलर कोई साइन बोर्ड लगा होगा या कोई एक सिंपल सी वहां पर केवल ये दर्शाएगा कि यहाँ पर आपको हेयर कटिंग होता है या यहाँ पर आ, कोई कॉबलर की दुकान है तो इस प्रकार की बहुत बेसिक आइडेंटिफिकेशन ही केवल शुरुआती दौर में थी और ये भी एक प्रमुख फंक्शन एडवरटाइजिंग का है इसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अबाउट एडवर्टाइजिंग वो ये है कि एडवरटाइजिंग के माध्यम से लोगों तक उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में उसकी सूचना उसकी एक विस्तृत जानकारी पहुंचाई गई या पहुंचाई जाती है इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो शुरुआत हुई ये लगभग 1655 से 1660 के बीच में ये शुरुआत हुई और उस दौर में चूँकि लोग अब धीरे धीरे पढ़ना लिखना एक हम कह सकते हैं कि उस समय की सोसाइटी में जो लोगों की संख्या थी पढ़े लिखे लोगों की वो धीरे धीरे बढ़ रही थी तो इसके बाद ये हुआ कि जो एडवर्टाइजिंग है उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा बदल गया यानी कि इन्फॉर्मेशन जो सूचना थी अब वो लोगों के लोगों तक प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य साधनों के माध्यम से यानी कि जैसे साइन बोर्ड हुए या कहीं पर कोई बिल बोर्ड लगा दिया तो इस प्रकार की जो तरीके हैं उनसे सूचनाएं है, लोगों तक पहुंचाई जाने लगी इसके बाद परसुएशन यानी कि आज के समय की जो एडवर्टाइजिंग है ये आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के साथ साथ एक तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है और वो है परसुएशन का यानी कि लोगों को इस बात के लिए मनाना कि वो हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और ये प्रमुख रूप से इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी के आसपास जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा और सप्लाई जो है वो प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा होने लगी तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडस्ट्रीज़ को ये लगने लगा कि अब हमें इस अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट करनी चाहिए अदरवाइज़ हम जो प्रोडक्शन लगातार किए जा रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और ऐसे में ये हमारा सारा बनाया हुआ सामान ये रह जाएगा और ये बेकार हो जाएगा तो इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो था एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोगों को परसुवेट करना यानी लोगों को इस बात के लिए मनाना कि वो किस प्रकार से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें इससे उनको क्या फ़ायदे होंगे और साथ ही साथ उनके दिमाग में उनके थॉट्स में ये भी डालना कि उनके लिए ये प्रोडक्ट फ़ायदेमंद तो है ही साथ साथ ज़रूरी भी है और ये कहीं ना कहीं वो इच्छा रखते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की तो इस प्रकार की जो परसुएसन है ये भी आजकल एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन गया है तो हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट एडवर्टाइजिंग है ये तीनों फंक्शन आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग एंडुएसिंग दसुएस परसुएडिंग द कस्टमर पर्षुव ये तीनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस एडवर्टाइजिंग करती है इसके बाद एक और मुख्य हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग से संबंधित बात की और वो है उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं यानी की कंपोनेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इसमें जो पहला है दैट इज स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी में कौन सी रणनीति उस एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल की जाएगी यानी कि कौन से वो इमोशनल अपील होगी वो कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे जो हम एडवर्टीज़मेंट में डालेंगे वो कौन सी सूचना होगी जिसको कि हम अपने एडवर्टीजमेंट में रखेंगे इस प्रकार की जितनी भी ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये सभी एक स्ट्रेटजी के तहत इसको बनाया जाता है और एक एडवर्टीजमेंट के बनने से पहले उसकी पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की जाती है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या होगी हमारे उनको लेकर के हम अपने प्रोडक्ट को लेकर के किस प्रकार से उनके बीच जाएंगे उसको किस तरह से हम अपील करेंगे उसमें हम कौन सी इमोशनल टोन डालेंगे उसमें हम कौन सी न्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार की जितनी भी ये पूरी हम कह सकते हैं एक तैयारी है वो एक स्ट्रेटजी के तौर पर की जाती है और एडवर्टीजमेंट में स्ट्रेटजी एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा होता है और ये एडवर्टीजमेंट के बनने से पहले की प्रक्रिया होती है जिसमें वो इस स्ट्रेटजी के आधार पर आगे का कार्य करते हैं इसके बाद एडवर्टीजमेंट से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो है एक मैसेज यानी कि एडवर्टीजमेंट क्या मैसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स के बीच में वो भी डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं या लोगों के बीच में हम जो लेके जा रहे हैं वो क्या पर्टिकुलर मैसेज लोगों के बीच में उससे पहुंचेगा तो वो मैसेज को भी हम कह सकते हैं कि उसका भी डिसीजन करना या उसको तय करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसके बाद मीडिया यानी कि हम किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे अपने इस मैसेज को पहुंचाने के लिए लोगों तक यानी कि वो मास मीडिया का इस्तेमाल होगा और मास मीडिया में भी पर्टिकुलरली क्या प्रिंट मीडिया का या टेलीविजन का या रेडियो का या आजकल के समय के अगर हिसाब से देखें तो क्या सोशल मीडिया का या किसी और अन्य तरीके का वो इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे तो इस प्रकार की वो डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है वो कैसा है उसका जो प्रोडक्ट है उसका क्या नेचर है वो जो कॉन्टेक्स्ट है या उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उसका नेचर क्या है तो ये तमाम जो बातें हैं उसके आधार पर वो ये निर्णय लेते हैं कि हमारी जो मीडिया हम इस्तेमाल करेंगे वो किस प्रकार की होगी उसका नेचर क्या होगा इसके बाद इन तीन कंपोनेंट्स के बनने के बाद एडवर्टीज़मेंट से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है दैट इज़ इवेल्युएशन यानी कि हम केवल ये नहीं तय करते कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी एडवर्टीज़मेंट की न केवल कि हमारा मैसेज क्या होगा और न सिर्फ ये कि हम किस मीडिया का इस्तेमाल करेंगे या मीडिया के कौन से हम आ, कह सकते हैं कि इस्तेमाल करके हम लोगों तक पहुँचेंगे बल्कि ये ओवरऑल जो हम एडवर्टीज़मेंट करने जा रहे हैं इससे हमें वास्तव में कितना लाभ हुआ या किस प्रकार का इससे हमारे प्रोडक्ट को ओवरऑल बूस्ट मिला तो ये ओवरऑल जानना कि एडवर्टीजमेंट का रियल इम्पैक्ट क्या आया उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या थी ये जानना भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये इवेल्यूशन के माध्यम से पता चलती है इसीलिए एडवर्टीज़मेंट का न सिर्फ बनाया जाना बल्कि उसका बाद में मूल्यांकन करना उसका इवेल्यूएशन करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ताकि ये इंडस्ट्री को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस स्पॉन्सरिंग एजेंसी को ये पता चल सके कि जो एडवर्टीज़मेंट उन्होंने वहाँ बनाया है वो कितना इफेक्टिव है अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट का एक एडवर्टीज़मेंट लॉन्च हुआ था उसके बारे में मैं यहाँ आपसे चर्चा करूँगा ताकि आप ये समझ सकेंगे कि किस प्रकार से ये जो चारों कंपोनेंट्स की हमने बात की ये किस तरह से उस एडवर्टीज़मेंट में हम इसको देख पाएंगे कि कैसे ये एडवर्टीज़मेंट इतना सक्सेसफुल हुआ और उसकी एक जो पूरी हम कह सकते हैं पीछे की जो रूपरेखा थी उसकी भी हम चर्चा अभी करेंगे तो एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप सभी मुझे उम्मीद है कि इससे जानते होंगे और ये प्रोडक्ट है एप्पल का एक कंप्यूटर है जिसको मैकेंटोस कहते हैं और ये प्रोडक्ट 1984 में लॉन्च किया गया था और ये एक एप्पल का एक कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर जो 1984 में लॉन्च किया गया और ये वैसा दौर है जब कंप्यूटर्स उतने हम कह सकते हैं कि जितना आज कंप्यूटर्स सभी घरों में पाए जाते हैं या जो भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं लगभग हम देखते हैं कि कंप्यूटर आज के समय में एक कोई ऐसी बहुत बड़ी कमोडिटी या एक कोई ऐसा बहुत मुश्किल हम कह सकते हैं नहीं है हमारे लिए उसको प्राप्त करना तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 1984 में ये एक बहुत बड़ी बात थी कंप्यूटर खरीदना या कंप्यूटर का किसी घर में होना तो एप्पल ने जब 1984 में उसने ये प्लान किया कि वो अपना ये पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करेंगे Macintosh का तो उस समय वहाँ पर जो प्रोडक्ट उन्हें लॉन्च करना था उसके लिए उनके पास जो बजट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था और ऐसे में और ये हम कह सकते हैं कि एप्पल जो आज लगभग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार है वो उस समय उतनी बड़ी कंपनी नहीं थी यानी कि ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में अपने थी खुद को इस्टेब्लिश कर रही थी और ऐसे में जो उसके उस समय के जो उसके फाउंडर मेंबर्स में एक पर्टिकुलर मेंबर हैं जिनको हम सभी स्टीव जॉब्स के नाम से जानते हैं और स्टीव जॉब्स ने उस समय वो मीटिंग में वो भी मौजूद थे जब वो सभी लोग बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठ करके ये डिसाइड कर रहे थे कि हम किस प्रकार से जो अपनी एडवर्टाइजिंग होगी इस प्रोडक्ट की वो कैसे करेंगे और उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे तो उन्होंने एक पर्टिकुलर उस समय की एक्सपर्ट कंपनी को हायर किया था जो एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए बहुत ही फेमस थी और वो सक्सेसफुल एडवर्टीज़मेंट बनाने के लिए उन्होंने एक अच्छी टीम तैयार की थी वहाँ पर उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर को लिया था एक बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को लिया था और साथ ही साथ जो उनकी पूरी कह सकते हैं कि टीम थी वो एक बहुत ही फेमस टीम थी और ऐसे में उनको जो टास्क दिया गया था वो था एक मिनट के अंदर एक ऐसा एड बनाना जो उनके प्रोडक्ट को इस तरीके से लोगों के बीच में लॉन्च करे ताकि वो प्रोडक्ट जो है उसकी ओवरऑल सेल्स को हम बढ़ा सकें और वो प्रोडक्ट लोगों के बीच में अपनी जगह बना सके तो ऐसे में वो प्रोडक्ट को लेकर के जो एडवर्टीज़मेंट उस एजेंसी ने उन सभी लोगों ने एक्सपर्ट्स ने मिलकर तय किया था वो बड़ा ही एक अजीब सा एडवर्टीज़मेंट था उस दौर के हिसाब से और वो एक मिनट में जो दिखाया जाना था और केवल एक बार वो एडवर्टीज़मेंट दिखाया जाना था और वो वहाँ पर उन्होंने 1984 का जो सुपर बाउल मैच है अमेरिका का जो अमेरिकन फुटबॉल का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है उससे उस उस बड़े स्पॉट में वहाँ पर एक मिनट का एक स्पॉट उन्होंने उसमें परचेस किया था और वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव स्पॉट होता है उस एक मिनट के एडवर्टीजमेंट को दिखाने के लिए उस समय समथिंग अराउंड नाइन हंड्रेड डॉलर्स की पेमेंट उन्होंने की थी तो ऐसे में ये जो एडवर्टीजमेंट इन्होंने बनाया ये एडवर्टीजमेंट जब उनको दिखाया गया पहली बार एजेंसी के द्वारा तो सभी लोग जो बोर्ड मेंबर्स वहाँ मौजूद थे उन्हें लगा कि ये बहुत ही इनफेक्टिव और एक ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो लोगों के बीच में कोई भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाएगा और इससे हमारा प्रोडक्ट को किसी भी तरह से कोई बूस्ट नहीं मिलेगा तो ये एडवर्टीज़मेंट कुछ इस प्रकार से था कि उसमें एक आ, लोगों को जो दिखाया गया है कि वो एक एलियन के स्वरूप में या हम कह सकते हैं एक रोबोटिक एनवायरमेंट में वो लोग हैं और वहाँ पर एक पूरी मशीनीकरण जैसा हो गया है और ऐसे में एक महिला आती है जो एथलीट है और वो एक हथौड़ा लेकर आती है और वो उस हथौड़े को इतनी जोर से फेंकती है कि वहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि एक इस तरह का एनवायरनमेंट था जो रोबोटिक एनवायरनमेंट बन गया था वो ब्रेक हो जाता है और उस पूरे एक मिनट के ऐड में सिर्फ पहली बार जो आवाज़ आती है यानी कि जो मैसेज आता है वो बहुत ही सिंपल मैसेज था और वो ये था कि 1984 विल नॉट रिमेन 1984 एटी फोर आफ्टर एप्पल इंट्रोड्यूस इट्स मैकेंटोश यानी कि जो एप्पल अपना कंप्यूटर लॉन्च करेगा 1984 में उससे 1984 1984 की तरह नहीं रह जाएगा वो बिल्कुल बदल जाएगा यानी जो मैसेज उन्होंने यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट से देने का प्रयास किया था वो ये था कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज यानी कि सब कुछ बदलने वाला है और ये एक रेवोल्यूशन की तरह उन्होंने इसको प्रेजेंट किया तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि ये उस समय जिन लोगों ने इस एडवर्टीजमेंट को देखा बोर्ड मेंबर्स ने उनको इस पर बहुत ट्रस्ट नहीं था या हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा इसको लेकर के आसान्वित नहीं थे कि ये कोई बहुत सक्सेसफुल हमारी स्ट्रैटेजी है लेकिन ये उस समय वहां पर स्टीव जॉब्स और उनके को फाउंडर ने मिलकर ये तय किया कि वी विल गो विद दिस एडवर्टीजमेंट हम ये एडवर्टीजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह बहुत ही सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट आज के समय तक इवन जब बात होती है तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एड्स एवर मेड यह माना जाता है और इसने उस समय में एप्पल का जो मैकेटॉच लॉन्च हुआ था उसकी सेल्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उनका जो टारगेट था कि हम अगले कुछ समय तक 50,000 यूनिट्स यानी कि ओवरऑल 50,000 यूनिट्स बेचने का उनका टारगेट था उस यूनिट उस टारगेट को बहुत ही पहले अपनी डेडलाइन से बहुत पहले उन्होंने अचीव कर लिया और उन्होंने लगभग सेवेंटी टू थाउजेंड यूनिट्स सेल आउट कर दी थी और इसके बाद की जो यूनिट्स थी वो इसलिए सेल आउट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास अब यूनिट्स बची ही नहीं थी सेल आउट करने के लिए यानी कि उनका प्रोडक्शन का जो रेट था वो कम पड़ गया जितनी डिमांड थी यानी कि इस एक एडवर्टीजमेंट ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया एक इस तरह का उस प्रोडक्ट के लिए बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटरेस्ट आया और वो इसको सभी लोग इसको ख़रीदना चाह रहे थे जो भी उसको अफोर्ड कर सकते थे तो ऐसे में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ज़्यादा उस एडवर्टीज़मेंट की वजह से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल ये प्रोडक्ट उस समय हो गया तो ये सारी बातें हमें ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं जो एडवर्टीज़मेंट है वो एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए और यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे ये जो स्ट्रेटेजी मैसेज मीडिया और इवेल्यूएशन की बात हो रही है इसमें भी ये एडवर्टीजमेंट जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा ये एक बहुत ही सही उदाहरण उस इस पूरी की कंपोनेंट्स को समझने के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की यानी कि विज्ञापन के क्षेत्र में कौन से वो विज्ञापन के प्रकार हैं जो कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं इसमें जो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज ब्रांड एडवर्टाइजिंग और ब्रांड एडवर्टाइजिंग जो हमने अभी अभी बात की थी जैसे हम कहें कि एप्पल का जो हमने प्रोडक्ट की अभी बात की थी वो ब्रांड जो उन्होंने अपना लॉन्च किया मैकिनटोज का वो इसी तरह की ब्रांड एडवर्टाइजिंग की हम बात करते हैं और इससे संबंधित और बहुत सारे एड्स हैं जो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं जैसे टेलीविज़न पर आप देखते हैं चाहे वो किसी फेमस साबुन का ऐड हो या फिर किसी बहुत ही फ़ेमस कार का एड हो इस प्रकार के जितने भी ब्रांड रिलेटेड जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने ब्रांड को रिलीज़ कर जो कंपनीज़ हैं वो अपने ब्रांड को रिलीज़ करती हैं या ब्रांड के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाती हैं या उनको उनके बीच में उसका विज्ञापन करती हैं तो इस तरह की जो विज्ञापन की जो तरीके हैं जो टाइप है वो ब्रांड एडवर्टाइजिंग के नाम से उसको जाना जाता है इसके बाद जो दूसरा एक और प्रमुख एडवर्टीजमेंट का टाइप है वो है रिटेल एडवर्टाइजिंग या फिर लोकल एडवर्टाइजिंग और इस प्रकार की जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ही लोकल स्तर पर जैसे हमने ब्रांड एडवर्टाइजिंग की जब बात की तो ब्रांड एडवर्टाइजिंग में बहुत ही लार्ज स्केल पर इसको किया जाता है और लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल तौर पर इसको लॉन्च किया जाता है परंतु जो रिटेल एडवर्टाइजिंग है या लोकल एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ही लिमिटेड स्पेस में या एक छोटे रीजन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही इसको लॉन्च किया जाता है या वहीं पर केवल इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी पर्टिकुलर शहर में कोई एक रेस्टोरेंट खुला है तो वो रेस्टोरेंट वहाँ के जो लोग हैं केवल वो उसे मालूम है कि यहीं के लोग हमारे पास आएंगे तो वो अपने एडवर्टीज़मेंट को केवल वहाँ के हिसाब से वो उसको रखेंगे यानी कि वो अपना उस लोकल पॉपुलेशन के बीच में ही अपने रेस्टोरेंट का एडवर्टीज़मेंट करेंगे इसी के साथ कोई लोकल ऐसी मार्केट शॉप मार्केट में कोई शॉप खुली हो तो वो भी जानते हैं कि इस एरिया के जो लोकल पॉपुलेशन है वही वहाँ पर कस्टमर के तौर पर आएंगे तो ऐसे में वो वहाँ पर केवल लोकल लेवल पर अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं इसके बाद एक और तरीका जो एडवर्टीजेंट एडवर्टाइजिंग का है वो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो संस्था है या जो भी आ, वहाँ पर स्पॉन्सर है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक लेके जाते हैं यानी कि कस्टमर उनसे डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं या उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के बाद डायरेक्ट उनसे बातचीत करने के बाद वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इस तरह के जो उदाहरण हैं आप देख सकते हैं कि कई बार इस तरह के हम देखते हैं कि अखबारों में इश्तहार आते हैं कि यदि आपको ये पर्टिकुलर सामान चाहिए तो आप इसको इस नंबर पे फ़ोन करके मंगा सकते हैं या फिर आप हमें पोस्ट कार्ड से लिख सकते हैं हम आपको भेज देंगे तो इस प्रकार की जो आ, हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजीज हैं वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग हैं जिसमें कि अक्सर आप टीवी शोज में भी ये देखते हैं कि उसमें भी ये दिखाया जाता है कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिए और हम आपको ये प्रोडक्ट भेज देंगे आफ्टर द पेमेंट तो इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है इसको हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवरटाइजिंग कहते हैं इसके बाद एक अगली जो स्ट्रेटेजी है दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बिज़नेस टू बिजनेस की जो एडवर्टाइजिंग है इसमें एक व्यक्ति से ना डील करके यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो बिजनेस आपस में डील करते हैं यानी कि ये बड़े लेवल पर ये एडवरटाइजिंग होती है और यहाँ पर जो टारगेट हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं है बल्कि ये कोई ओवरऑल एक मार्केट के अंदर जो मौजूद या प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस है उसको पूरा टारगेट किया जाता है जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारी जो मेडिसिन कंपनीज हैं वो ओवरऑल सभी को टारगेट ना करते हुए जो प्रोफेशनल्स का एक सेगमेंट है डॉक्टर्स का केवल उनको टारगेट करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं ये केवल डॉक्टर्स के बीच में ही हमको इसे बताना है तो ये दिस काइंड ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट है ये बिजनेस टू बिजनेस होता है और ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो केवल होटल्स के लिए अगर बने हों कि होटल में जो रिक्वायरमेंट होती है जिस प्रकार का वहाँ पर सेटअप चाहिए अगर उसमें केवल कोई अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है तो ऐसे में वो जो अपना प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टीज़मेंट केवल होटल्स जो होटल बिज़नेस में इन्वॉल्व लोग हैं केवल वहाँ पर वो उसकी अपनी एडवर्टाइजिंग करेगा ताकि जो उसका ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो जहाँ पहुँचना है वहीं पर पहुँचे इसके बाद अगला जो एडवर्टीजमेंट का एक और तरीका है वो है कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग और कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका है जहां पर कि जो कंपनीज़ हैं वो आजकल कॉरपोरेट हाउसेस के तौर पर अपनी पहचान बनाती हैं यानी कि वो न केवल एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं न केवल कुछ प्रोड्यूस करती हैं बल्कि वो साथ ही साथ अपना एक ओवरऑल ब्रांड इमेज यानी कि अपना एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर भी वो बनाती हैं और ऐसे में उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उनकी जो ओवरऑल इमेज है वो कैसी है इन द सोसाइटी इन द आइज ऑफ पीपल यानी लोगों के बीच में उनकी एक अपनी ब्रांड इमेज कैसी है और उनकी जो रेपुटेशन है वो कैसी है और इसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ देता हूँ कि ज़्यादातर जो टोबैको मेकिंग कंपनीज़ हैं या टोबैको प्रोडक्ट जो बनाती हैं उन कंपनीज़ के साथ अक्सर ये समस्या होती है कि उनकी जो ओवरऑल इमेज होती है लोगों के बीच में वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव यानी कि एक नेगेटिव इमेज होती है और उसका रीज़न ये है कि जो प्रोडक्ट वो वहाँ पर बेच रहे हैं या जो प्रोडक्ट उनका है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत को नुकसान करता है और इसकी वजह से उनका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं आम लोगों की सेहत के हम कह सकते हैं नुकसान के हम कह सकते हैं बदले में वो प्रॉफिट करते हैं तो ये जो ओवरऑल उनकी इमेज है ये कहीं ना कहीं कही उनकी इस ओवरऑल जो उनकी जो इमेज है या रेपुटेशन है उसको धूमिल करती है या उसको नेगेटिव दिशा में लेके जाती है लेकिन वो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से और अपने अन्य कार्यों को यानी कि वो यहाँ पर ये भी दर्शाएंगे कि हमने बहुत से हॉस्पिटल खोले हैं हमने बहुत से ऐसी ऑर्फेनेज खोले हैं या हम बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं या इस प्रकार की और बहुत सी उनकी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिसको वो लोगों के पास पहुंचाएंगे या उस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से ले जाएंगे ताकि जो उनकी इमेज है जो उनकी कॉरपोरेट इमेज है जो उनकी ब्रांड इमेज है वो नेगेटिव दिशा में ना जाए बल्कि लोगों के बीच में उस कंपनी को या उस कॉरपोरेट हाउस को लेकर के एक पॉजिटिव इमेज रहे इसलिए वो इस प्रकार की कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं इसके बाद एक अगली जो एडवर्टाइजिंग की टाइप है वो है नॉन प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग और नॉन प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग है जहाँ पर इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कोई प्रोडक्ट सेल करना या प्रॉफिट बनाना नहीं होता बल्कि यूजुअली इस तरह के जो एडवर्टाइजिंग होती है उसके अंदर कुछ सोशल बेनिफिट की स्कीम या फिर कोई ऐसी बात उसमें होती है जिससे ओवरऑल जो लोग हैं पीपल ऑफ़ द सोसाइटी उनका कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट या कुछ ओवरऑल एक हम कह सकते हैं डेवलपमेंट उससे एसोसिएटेड होता है जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो आपने अगर कभी टीवी पर ध्यान दिया होगा तो इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि हमें आ, अपने नेत्रदान करने चाहिए और इससे हम किसी और के जीवन में रोशनी ला सकते हैं यानी इस प्रकार का जो मैसेजिंग है या इस प्रकार की जो एडवर्टाइजिंग है उसे हम देख सकते हैं कि कहीं भी इससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि उसको किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है लेकिन इससे ओवरऑल सोसाइटी में किसी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को जिसको कि आगे चल कर के किसी एक दूसरे आ, दानी व्यक्ति जिसने अपनी आईज डोनेट की उसकी वजह से एक दूसरे व्यक्ति को आगे चल कर के बेनिफिट हो सकता है तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक परोपकारी ये ओवरऑल एक स्कीम है और ऐसे में ये जो स्कीम है या इस तरह की जो एडवर्टाइजिंग होती है यहाँ पर प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होता यहाँ पर बिजनेस उस सेंस में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर की हम बात करते हैं यहाँ लोगों के वेलफेयर की हम बात करते हैं तो इस प्रकार की भी एडवर्टाइजिंग होती है इसके बाद एक अगली जो एडवर्टाइजिंग है वो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग के तौर पर उसको जाना जाता है और इस प्रकार की जो एडवर्टाइजिंग है इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं अक्सर गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं और यहाँ पर लोगों तक ज़रूरी सूचनाएं और ऐसी सूचनाएं जिससे उनको आगे चल कर के बेनिफिट हो या उसको उसको फॉलो करने से उन्हें लाभ होगा इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं जैसे एक उदाहरण अगर मैं आपको यहाँ प्रस्तुत करूँ तो ट्रैफिक संबंधी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको उसके बारे में लोगों को बताना उनको अवेयर करना या फिर अगर एक और उदाहरण हम लें तो जैसे लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंचाना कि आपको ड्राइविंग के समय ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार की जो मैसेजिंग है या इस प्रकार की जो एडवर्टाइजिंग है वो पब्लिक सर्विस में की जा रही है यानी कि इससे किसी इंडिविजुअल को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है बल्कि ये कहीं कही ना कहीं आम लोगों के लिए आम पब्लिक के लिए ये एक इस प्रकार की सर्विस है जिससे उनके आगे फ्यूचर में एक्सीडेंट्स होने की संभावना कम होगी या उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी और जिस कारण से सोसाइटी में ओवरऑल हम कह सकते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो इस प्रकार के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए किए जाते हैं इनको हम इस श्रेणी में रखते हैं और यहाँ पर एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि पब्लिक सर्विस जो एडवर्टाइजिंग है इस प्रकार की जो एडवर्टाइजिंग होती है इसको यूजुअली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं वो इसको फ्री में बनाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी इसको फ्री टाइम में यानी कि विदाउट एनी कॉस्ट इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सभी लोग इस प्रकार की जो एडवर्टाइजिंग है उसमें अपना योगदान देते हैं इसके बाद एक और टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है और वो है स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग जो कि हम कह सकते हैं कि जब कभी किसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर एक जैसे कोई ग्रीन मूवमेंट है यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई मूवमेंट अगर चलाया जा रहा है या वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन को लेकर के अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम या कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया जा रहा है तो इस प्रकार की कुछ स्पेसिफ़िक एडवर्टीज़मेंट्स भी हैं जो कि कई बार लॉन्च की जाती हैं या उसका इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट्स uh, हैं उनको हम स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट की श्रेणी में रखते हैं तो ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हैं इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग की का जो वर्ल्ड है उसमें स्टेक होल्डर्स यानी प्रमुख स्टेक होल्डर्स उसमें कौन है तो उसमें जो सबसे पहला और सबसे प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो संस्था या वो कंपनी या वो इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है या फिर उसको मार्केट में लाना चाहती है ताकि लोगों तक वो पहुँचे और वो उसको खरीदें तो इस तरह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं द ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद जो दूसरे नंबर के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो है द एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि वो एजेंसी जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट वो वो एडवर्टाइज़ को तैयार करते हैं तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रोल ये है कि वो एक्सपर्ट होते हैं एडवर्टीज़मेंट को बनाने में और उसके बाद वो आफ्टर पेमेंट यानी पेमेंट लेने के बाद वो उस एडवर्टीज़मेंट को बनाते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एडवर्टीज़मेंट को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके इसके बाद मीडिया हाउसेस यानी कि जो मीडिया है वो भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है एडवर्टीज़मेंट के ओवरऑल बिजनेस में और क्योंकि लोगों तक जो रीच है वो मीडिया की रीच है चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो आ, आपकी मास मीडिया का जो भी मोड हो लाइक टेलीविज़न रेडियो इस प्रकार के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो सभी हम कहते हैं कि एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के रूप में एडवरटाइजिंग की फील्ड में वो होते हैं इसके बाद प्रोफेशनल सप्लायर्स एंड कंसल्टेंट्स और ये हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि फ्रीलांसर्स की तरह काम करते हैं और ये एक्सपर्ट्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग और ये कहीं ना कहीं कुछ हम कह सकते हैं डायरेक्टर के रूप में कुछ स्क्रिप्ट राइटर के रूप में कुछ ऐसे क्रिएटिव लोग जो एडवर्टीजमेंट के वर्ल्ड में जो किसी पर्टिकुलर एजेंसी या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काम नहीं करते परंतु जब भी उन्हें इस तरह का मौका मिलता है या इस तरह का चांस उन्हें मिलता है तो वो इस तरह की जो एडवर्टाइजिंग की जो ओवरऑल जो ये स्कीम है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट तो इसके बाद जो एक और बहुत प्रमुख इसमें स्टेक होल्डर है वो है खुद कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूमर है कहीं ना कहीं वो खुद में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है और कंज्यूमर चूंकि एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टीजमेंट बन रहा है वो सीधे सीधे कंज्यूमर को ही इन्फ्लुएंस करने के लिए पर्सुएट करने के लिए बन रहा है तो ऐसे में कंज्यूमर खुद में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी रिसर्च स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं एडवर्टाइजिंग की फील्ड में इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो सर्वे रिसर्च यूज़ होती हैं और हम उसको प्राइमरी रिसर्च की कैटेगरी कर, में रखते हैं जहाँ पर कि हम खुद प्रथम बार डेटा कलेक्ट करते हैं जबकि जो सेकेंडरी रिसर्च होती है वो ऑलरेडी जो अवेलेबल डेटा होता है उसका इस्तेमाल करके वो उस प्रकार की रिसर्चेज़ की जाती हैं इसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में भी ये देखा जाता है कि कौन सी रिसर्च उस पर्टिकुलर केस में एडवर्टीजें एडवर्टाइजमेंट के इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सी रिसर्च ज़्यादा प्रभावी होगी चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ या सर्वे स्टडीज़ या फिर क्वालिटेटिव स्टडीज़ की या रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो इंटरव्यूज़ होते हैं फोकस ग्रुप्स होते हैं एथनोग्राफिक स्टडीज़ होती हैं इस प्रकार की या डायरी मैथड से स्टडीज uh, की जाती हैं क्वालिटेटिव स्टडीज़ तो ये कुछ प्रकार हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च के लेकिन इसमें से कौन से रिसर्चेज की जानी हैं ये उस कॉन्टेक्स्ट में जो लोग मौजूद होते हैं वो ये तय करते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे कौन सी पर्टिकुलर रिसर्च मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें हम देखते हैं कि जो सर्वे रिसर्च है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है क्योंकि इसमें बहुत मास लेवल पर डेटा कलेक्ट होता है और जो इसके द्वारा जो पॉपुलेशन जिससे डेटा कलेक्ट किया जाता है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल पर किया जाता है और इसको एक ऑब्जेक्टिव मेथड भी माना जाता है इसलिए जो सर्वे रिसर्च है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हम कह सकते हैं मोड ऑफ डेटा कलेक्शन या रिसर्च होता है इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग इसके अलावा फोकस ग्रुप या ऑब्जर्वेशन या एथनोग्राफिक रिसर्च या डायरी मेथड ये सभी क्वालिटेटिव मेथड्स हैं और इसमें कंज्यूमर से डायरेक्ट इंट्रैक्ट किया जाता है उसमें उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं उनसे कुछ बातचीत की जाती है उनको ऑब्जर्व किया जाता है तो इस तरह की विधियों में हम ये देखते हैं कोशिश करते हैं ये समझने का कि जो कंज्यूमर है उसका ओवरऑल जो बिहेवियर है वो क्या है और एडवर्टीज़मेंट में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किस तरह से उसको डिज़ाइन करना चाहिए उनमें क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए तो ये ओवरऑल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के माध्यम से इस तरह की जो पूरी ये स्ट्रेटेजी है ये बनाई जाती है इसके बाद हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर सोसाइटी है वो फॉर चेंजिंग है यानी कि कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि जो कस्टमर हैं उसकी जो नीड्स हैं उसका जो थिंकिंग पैटर्न है उसके जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो कंटिन्यूसली बदल रहे हैं और जो उसकी हम कहते हैं कि जो डिमांड्स हैं जो उसका प्रोडक्ट्स को लेकर के जो उसका अप्रोच है वो हमेशा बदलता रहता है यानी वो एक स्टैटिक तौर पर नहीं रहता और वो हमेशा उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं तो ऐसे में हमारे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो कंज्यूमर सोसाइटी है उसको हम किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उसको परसुएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग इसलिए और आजकल एक और बहुत ही इसमें करंट ट्रेंड जो है दैट इज़ अबाउट मेकिंग प्रोडक्ट्स विच आर एनवायरमेंटली हम कह सकते हैं सेफ एंड सस्टेनेबल तो ऐसे में जो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है आजकल ऑर्गेनाइजेशंस की या जो हम कह सकते हैं कॉरपोरेट हाउसेज़ की वो कहीं ना कहीं अपने एडवर्टाइजिंग के जो कैंपेन है उसमें वो ये दिखाना चाहते हैं या वो ये मैसेज बताना चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटली एक सेफ़ प्रोडक्ट है और इसमें किसी भी तरह की कोई एथिकल वायलेशन या कोई मॉरल वायलेशन इस प्रोडक्ट को बनाते समय नहीं हुई है और इस प्रकार की चूँकि आजकल के जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही इनफॉर्म्ड है बहुत ही सेंसिटिव है और हम कह सकते हैं बहुत जल्दी वो किसी भी प्रोडक्ट को पसंद या नापसंद भी करता है अगर उसके पास उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ जाए तो बहुत बार ये देखा गया है कि लोग उस प्रोडक्ट को बायकॉट कर देते हैं यानी कि वो उसका बहिष्कार कर देते हैं और ऐसे में प्रोडक्ट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस उनको लॉन्च कर रही हैं उन प्रोडक्ट्स को उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक ऐसा लोगों के बीच में मैसेज ले करके जाएँ कि वो जो भी इसके पीछे प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो भी उनके कार्य हैं वो किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो पूरी तरह से सेफ़ प्रोडक्ट्स हैं तो ये इस तरह की जो कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो एडवर्टाइजिंग में हमेशा जो ऑर्गना ऑर्गेनाइजेशन्स हैं या जो जो कॉरपोरेट हाउसेज इन्वॉल्व हैं वो इसका ध्यान रखते हैं इसके बाद कंज्यूमर्स जो हैं वो हमेशा किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति अपनी जो उनकी अलाइनमेंट है वो तभी दिखाते हैं या वो तभी उसके साथ जुड़ना चाहते हैं जब वो ब्रांड उनके लिए वही कार्य करे या उनको वही आइडेंटिटी प्रदान करे जैसी वो चाहते हैं यानी कि जब प्रोडक्ट उनकी उस डिज़ायर को पूरा करेगा तभी वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या उसके साथ जुड़ेंगे तो ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग के समय जो ब्रांड्स हैं या जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो इस तरह की कैंपेनिंग करते हैं या इस तरह से अपने प्रोडक्ट को सामने लाते हैं कि इससे लोगों के बीच में एक इस प्रकार की जो उनकी डिज़ायर है वो उसको एड्रेस कर सकें ताकि लोग ये माने कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने से हमें हमारी जो ये डिज़ायर है या हमारी ये जो नीड है ये पूरी होगी जैसे अगर हम इसको एक सिंपल उदाहरण के साथ देखें तो आजकल ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं या ऑटोमोबाइल्स की ही जब हम बात करते हैं तो एक जैसे एक प्रोडक्ट अभी पीछे लॉन्च हुआ था अगर आप सभी को याद हो तो एक स्कूटी इस तरह की लॉन्च की गई एक टू व्हीलर जिसमें ये बताया गया कि दिस पर्टिकुलर स्कूटी इज़ ओनली मेंट फॉर वुमेन या इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर वुमेन और उसका जो मैसेज था वो ये था कि दैट वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है दिस इज़ फॉर वुमेन स्पेशली डिज़ाइन फॉर वुमेन तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो प्रोडक्ट इमेजिंग है या उसकी जो ब्रांड इमेजिंग है वो की जा की जा रही है ताकि जो उसको लेने वाला जो कस्टमर बेस है वो उसको फील कर सके कि ये कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है ये हमारे अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है तो इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तो आजकल जो ट्रेंड देखा गया है दैट इज़ ऑमनी चैनल कस्टमर एक्सपीरियंस और ये इस प्रकार की चीज़ है जैसे आजकल के जो कंज्यूमर हैं वो किसी भी वस्तु को लेने से पहले किसी भी परचेस को करने से पहले वो केवल एक पर्टिकुलर चैनल या केवल एक जगह पर जाकर वो डिसीजन नहीं लेते बल्कि वो आजकल एक चैनल से दूसरे चैनल पर शिफ्ट होते रहते हैं और वो अपनी सर्च को कंटिन्यूस रखते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया आपने कहीं मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखा या किसी दूसरे को इस्तेमाल करते हुए देखा उसके बाद आपकी इच्छा हुई उस प्रोडक्ट के बारे में और जानने की तो आप अपने आजकल स्मार्टफोन या मोबाइल या कंप्यूटर पे आप उसको देखेंगे और ज़्यादा सर्च करेंगे और उसके बारे में और डिटेल्स लेंगे और आजकल की जो वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं वहाँ से आप उनको देखेंगे उसके बाद आप एक पर्टिकुलर अपना आइडिया डेवलप करने के बाद आप फिर से रिटेल स्टोर पर या जो वहाँ पर जो लोकल में आसपास जो अवेलेबल जहाँ पर भी वो प्रोडक्ट हो आप फिर से वहाँ विज़िट करेंगे आप वहाँ जा कर के उसको देखेंगे और उसके बाद आप वहाँ पर भी उसकी प्राइसिंग देखेंगे कि उसकी प्राइसिंग कैसी है ओवरऑल सर्विसिंग कैसी है उसके बाद फिर से आप दोबारा ऑनलाइन पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से हम ये जो देख रहे हैं कि जो कंटिन्यूस चैनल शिफ्टिंग हो रही है कभी ऑनलाइन से कभी रिटेल मार्केट में जा कर के कभी ऑनलाइन वेबसाइट में भी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर तो इस तरह की जो ओवरऑल ये जो अप्रोच आ गया है जहाँ पर कस्टमर बहुत कॉन्शियस हो गया है बहुत ही स्मार्ट हो गया है वो ये देखता है कि किस तरह से मुझे किस जगह से ज़्यादा फ़ायदा होगा कौन से प्रोडक्ट के बारे में मैं कहाँ से ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ तो इस प्रकार की जो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ऐसे में जो स्ट्रेटजी होती है हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट की वो उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है और कंज्यूमर बिहेवियर का एक बहुत ही हम कह सकते हैं ये डायनामिक एस्पेक्ट है जो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर एक कंटिन्यूसली चेंज होने वाला एक ऐसा पैटर्न है जिसको हमें कंटिन्यूसली उसकी स्टडी करनी चाहिए और उसको हमेशा उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए इसके बाद इसीलिए इट इज़ बोथ इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर एनी बिजनेस टू नो इट्स कंज्यूमर्स एंड अंडरस्टैंड देयर बाइंग बिहेवियर जैसा कि मैं अभी आपसे बता रहा था कि किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन uh, के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका जो कस्टमर बेस है वो किस तरह से सोचता है किस प्रकार से उसकी जो नीड्स हैं वो क्या हैं और उनकी जो ओवरऑल जो थॉट पैटर्न है वो कैसा है तो ये सभी चीज़ें जब उनको पता रहेंगी तभी वो उसके हिसाब से अपना जो एडवर्टीज़मेंट है या जो अपनी ओवरऑल मार्केट स्ट्रेटजी है वो उसको प्रिपेयर कर पाएंगे तो इन सभी बातों के साथ हमने आज अपने इस सत्र में ये चर्चा की कि किस तरह से जो एडवर्टीज़मेंट है यानी कि जो विज्ञापन का जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से चीज़ें होती हैं और कैसे मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके या मनोवैज्ञानिक जो प्रिंसिपल्स हैं या थियरीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके हम एडवर्टीज़मेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और उसमें हम जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से लोगों के बीच में सक्सेसफुली उसको लॉन्च कर सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो इन सभी मुद्दों पर आज हमने बातचीत की मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सत्र में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अपने अगले सत्र में जो कि लेक्चर नंबर नाइन है और उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी उसके बारे में हम अपने अगले सत्र में चर्चा को कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद